Sir, barely 2 days are left now. The House hasn't transacted substantial business. Only one bill was passed, that too without discussion. And today again we saw disruptions. आज भी चेयरमैन ने कहा और इससे पहले भी लगातार चेयरमैन और सरकार ये बात कहते रही हैं कि चाहे वो बैंक घोटाला हो, बैंक इरेगुलरिटीज हो, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, चाहे वो कावेरी मुद्दा हो या TDP के कुछ मुद्दे हो, तो मैं समझता हूँ कि सरकार जब हर चीज के लिए चर्चा के लिए तैयार है तो जान बूझ कर मोदी सरकार को सहन नहीं किया जा रहा और उसमें बीच बीच के अंदर ये इस तरह से अड़ंगे लगाए जा रहे हैं ताकि विकास के काम रुक जाएं। Sir, chairman has said that discussion would be allowed on all the issues. Government has expressed its readiness to discuss all the issues. In fact, opposition also on several occasions said that they want discussion. Then what is the stumbling block? Stumbling block at 2019 elections. इनको लगता है कि वैसे शायद मीडिया कवरेज नहीं होगी, पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, पर वेल में जाएंगे, शोर मचाएंगे, नारे लगाएंगे, प्ले कार्ड दिखाएंगे, तो उनको लगता है कि शायद इससे ही उनकी पॉलिटिक्स चलेगी। अभी दो दिन बचे हैं और हमारे पास बड़े बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं, तो इन दो दिनों के अंदर भी विपक्ष अगर इन बिलों को पारित करने में सहयोग करे तो जनता के पास एक मैसेज जाएगा कि जितनी मर्जी पॉलिटिक्स हो, जितनी मर्जी लड़ाई हो, पर जब जनता के हितों की बात होती है तो ये दोनों एक हो सकते हैं। Opposition is also trying to up the ante against the government on SC/ST issue, despite the fact that review petition has already been filed. देखिए, पहले दिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तो एक बात तो सीधी जनता को भी समझ आ रही है कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, ये सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, सरकार ने जैसे ही देखा उन्होंने उसके लिए रिव्यू पिटिशन फाइल किया। अगर आप रिकॉर्ड दिखा के देख लेंगे जो मेरे हाथ के अंदर भी हैं इस समय, उन रिकॉर्ड से पता चलेगा कि 50 साल के UPA के सेशन में जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हुए और दलितों पर अत्याचार होकर उन पर न्याय नहीं मिला, उसके मुकाबले के अंदर NDA की सरकार में, मोदी सरकार में दलितों को न्याय भी मिला और अत्याचार भी कम हुआ।